बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं। पटना में सुबह सुबह बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद अब पटना में सनसनी है। बीजेपी नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर हत्या की गई। पटना के सिटी चौक के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। श्याम सुंदर बीजेपी के नगर मंडल के अध्यक्ष थे। आज सुबह 4 बजे बीजेपी नेता को गोली मार दी गई। ये सीसीटीवी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये बाइक सवार और यहीं पर देखिए ये अपराधी जो बेलगाम हुए हैं, उन्हीं के जो बढ़ते हौसले हैं उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तो बीजेपी के नेता श्याम सुंदर, उनका मर्डर कर दिया गया सिटी चौक पर। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई बीजेपी नेता श्याम सुंदर की। और ये जो सनसनीखेज वारदात पटना में हुई है इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो अलग, लेकिन श्याम सुंदर के करीबी मित्र, उनकी तरफ से क्या बताया गया इस पूरी वारदात को लेकर, जरा पहले ये सुनिए। सुबह में किसी परिवार को विदा करने के लिए मॉर्निंग वॉक के समय निकले और टेम्पू के लिए खड़े थे यहाँ पे, और यह मंदिर बगल में, मंदिर में दर्शन करके और टेम्पू के इंतजार में यहाँ पर थे। और 3 बाइक सवार लड़का जो हेलमेट पहने वो आया है और चैन मोबाइल छीनने के दरमियान उनको गोली मार के चला गया। कायदे से बार बार हम लोग इस बात को पुलिस प्रशासन को बताते भी रहे, आगाह भी करते रहे, और अभी हाल ही में DGP आलोक राज जो आए हैं उन्होंने आदेश भी दिया है कि खासकर जिस तरह की घटना घट रही है मॉर्निंग वॉक के समय, स्नैचिंग हो रहा है लगातार, IAS की पत्नी है, अब तमाम लोग के संग घटना घट रही है, तो एक आदेश भी निकाला गया। हम लोग भी आग्रह करते कि मॉर्निंग वॉक के समय लगातार पेट्रोलिंग हो, लेकिन अगर पेट्रोलिंग सुव्यवस्थित होती, सुचारू होती, घटना होने से बच जाता है। सुना, बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि सुबह मॉर्निंग वॉक का समय था और उस समय चेन मोबाइल सब उनका छीन कर ले गए बाइक सवार 3 लड़के जिन्होंने सड़क पर गोली मार दी सरेआम श्याम सुंदर को। और बीजेपी नेता के इस मर्डर के खिलाफ अब पटना में प्रदर्शन हो रहा है। पटना सिटी में लोगों ने सड़क जाम कर दी। पटना में कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन जो किया जा रहा है, लोगों में नाराजगी है। कानून व्यवस्था और जिस तरीके से ये चोरी की, स्नैचिंग की घटनाएं पटना में पिछले दिनों बढ़ी हैं, उसका जिक्र अभी आप सुन भी रहे थे। श्याम सुंदर के जो मित्र थे वो भी कर रहे थे कि इसको लेकर पुलिस से पहले भी आग्रह किया गया है कि खासतौर से अल सुबह का समय जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उस समय इस तरीके की वारदात बढ़ रही है और इस ओर पुलिस का ध्यान गया नहीं और उसी का खमियाजा कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को भुगतना पड़ा है। गोली मार दी बदमाशों ने। पटना में हत्या के खिलाफ ये प्रदर्शन जो हो रहा है उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस समय मौजूद है। पटना सिटी में लोगों ने सड़क जाम की है, पटना में कानून व्यवस्था की जो हालत है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन, अभी की स्थिति क्या है? प्रशासन की तरफ से कोई गया है वहां पर लोगों से बातचीत करने के लिए, समझाने बुझाने और आगे के लिए कोई आश्वासन देने के लिए सुरक्षा को लेकर, शशांक? देखिए, अपराधी अभी भी फरार हैं। हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। जो यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, सड़क जाम कर दिए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए इसकी मांग कर रहे हैं। खून के धब्बे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट खून के धब्बे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए, हम कैमरा पर्सन शैलेश से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। टायर जला के भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर स्थानीय लोग, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो सुबह 4:30 के आसपास अपने कुछ रिश्तेदारों को ऑटो में बिठाने आए थे, उसी दौरान अपराधियों ने उनको गोली मारी, अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, ठीक 1 महीना पहले पटना साहिब में एक और बीजेपी नेता है अजय, उनकी हत्या हुई थी, ये दूसरी हत्या आज हो गई। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनके बेटे हैं, हम बात करेंगे। कहा यह जा रहा है एक चीज़ ये भी कि अपराधियों ने उनका चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन उसको उन्होंने विरोध किया, उसके बाद उनको गोली मार दी। एक बात ये भी सामने आ रही है, लेकिन उनके हम बेटे से बात करेंगे। आप उनके बेटे हैं? हम उनका बेटा रवि। क्या नाम है? रवि शर्मा नाम। कैसे हुई घटना? क्या 4:30 बजे के आसपास बाबूजी निकले थे टेम्पो लेने के लिए। टेम्पो लेने के लिए 10-15 मिनट हो गया, पापा नहीं आए, फोन लगाना शुरू किया तो 3-4 रिंग हुआ, पापा फोन उठाए नहीं, तो फिर हम घर से निकले देखने के लिए, देखो तो कहाँ पापा रुक गए, तो आके देखे तो यहाँ पर पापा का बॉडी पड़ा हुआ था। बॉडी को उठाए हैं, NM से लेके गए हैं। तो चेन छीनने की कोशिश की गई या कुछ और कारण? मोबाइल छीनने की कोशिश की, मोबाइल तो लेके चला गया, मोबाइल अभी भी ऑन है लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। मतलब मोबाइल लेके चले गए हैं जो अपराधी? हाँ, चेन भी है। क्या लगता है किसी से कुछ और विवाद भी था? विवाद मेरे बाबूजी का किसी से नहीं था।
किसी से व्यवहार नहीं था, पूजा पाठ करने वाले आदमी थे वो। अपराधी को तो पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है, कौन लोग थे ये भी पता चला? तीन लोग थे जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में सामने आया हुआ है। सीसीटीवी तो सामने आया, उसी में फुटेज में सामने आया। आप लोग को शक है? किसी पे कोई शक नहीं, हम लोग को कोई दुश्मन। बहुत पुराने नेता थे? बहुत पुराने थे, वर्कर पुराने वर्कर थे, पूजा पाठ करा देते थे समाज के। जो स्थानीय लोग हैं बेहद आक्रोशित हैं, एक महीना के अंदर ये दूसरे बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। जी जी, दूसरी घटना ही है। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं, अरेस्ट हो, पता चले क्यों, आखिर कारण तो पता चलना चाहिए। आया यहाँ बैठे हुए थे, उनसे किसको दुश्मनी नहीं, पूजा पाठ कराने वाले इंसान। बस ये हुआ कि मॉर्निंग वॉक में एक घंटा पहले निकल गए, कुछ अपने रिश्तेदार को सेव करना था। आप लोग को शक है किसी पे? नहीं, किसी पे शक नहीं है। क्या मॉर्निंग वॉक करने के लिए आदमी सुबह आएगा? जब आदमी सुरक्षित नहीं है तो क्या मॉर्निंग वॉक करने का मतलब जाएगा? ये जो कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, ये सवालों के घेरे में है। नीतीश के पास गृह विभाग है, अब क्या ये विभाग उनसे नहीं संभाल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तर्क दिया जा रहा था कि उनका जो सोना का चेन है वो अपराधियों ने छीनने की कोशिश की, वो नहीं दिए, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। लेकिन उनके जो बेटे हैं वो इसको नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, मोबाइल लेके वो लोग चले गए हैं, तो मुझे न्याय चाहिए, मेरे पिता की दीन दहाड़े हत्या हुई है। तो लगातार जो है पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है, लेकिन अपराधी कौन थे और कहाँ फरार हो गए इसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ये तथाकथित जो सुशासन की बात कही जाती है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास शशांक, रहिए हमारे साथ। देखिए, ये जो सवाल है वो अब बिहार में जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता के मर्डर को लेकर तेजस्वी यादव, उन्होंने पोस्ट किया है, बिहार में सत्ता संरक्षण में अपराध। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ही इन अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को गोली मार रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की सवाल तो बड़ा है, जिस तरीके से एक महीने के भीतर ही भीतर ये बीजेपी के ही दो नेता हैं जिनकी इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तो पटना सिटी में देखिए किस तरीके से सड़क पर, वहां बीजेपी के नेता श्याम सुंदर, उनका मोबाइल छीनने की कोशिश, मोबाइल छीन कर ले गए बदमाश और साथ ही साथ उन्हें गोली मारकर फरार हो गए, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। वहीं बिहार सरकार को लेकर आरजेडी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। आरजेडी के नेता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे हैं कि जब सत्ता पक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता का तो क्या ही होगा। पटना सिटी में बीजेपी नेता की गोली मारकर सुबह सवेरे हत्या कर दी गई। पटना सिटी में एक महीने के अंदर दूसरे बीजेपी नेता की हत्या हुई है। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार में आम जनता तो भगवान भरोसे है। महा अपराधी राज कायम हो गया है, महा जंगल राज चल रहा है। और एनडीए के लोग सुशासन का दावा कर रहे हैं, सुशासन को गोलियों से छलनी अपराधी कर रहे हैं। अपराधी पूरी तरह से अपना तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं बिहार में।